हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल ज्ञान में। आज हम देखेंगे वर्ल्ड के जो हेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ लंदन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में। आसियान का जकार्ता में। एफओयू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम में है। आइया का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वियना में है। आईबीआरडी का इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका है वाशिंगटन में। ICAO का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मॉन्ट्रियल में। ICJ का वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस है हेग में। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। ILO का कहाँ हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा का। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाशिंगटन DC। MIMCO इंटर गवर्नमेंटल मेरीटाइम कंसुलेटिव ऑर्गेनाइजेशन लंदन में। IMO इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में। इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में। इंटरपोल का है लियोन फ्रांस में है। नेटो का है आपका है ब्रुसेल्स में। नेटो का होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ITU का इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जिनेवा में है। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट इसका पेरिस में। OPEC का कहाँ है? वियना में है। UPSSC ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन केमिकल ठीक है इसका कहाँ हेग में है। SAARC का कहाँ है? SAARC का है काठमांडू में। UNCTAD का कहाँ है? जिनेवा में। UNCTAD का होता है यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। UNDP का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड न्यूयॉर्क में। UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट फंड नैरोबी में। UNESCO का कहाँ है? पेरिस में है। UNSCR का कहाँ है? जिनेवा में है। यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिडो का कहाँ है? वियना में। यूनिटार का कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का कहाँ है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में है ठीक है। फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का है बर्न में। वर्ल्ड WHO का है जिनेवा में। WMO का जिनेवा में। वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कहाँ है? जिनेवा। WTO का कहाँ है? गेट जिनेवा में। तो ये सारे मैंने आपको करा दिए हैं वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन जो उसके हेडक्वार्टर को ठीक है। जब आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।